वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर जैस्मिन फराज, अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज का ये हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है, वो लास्ट है। हम ऑलमोस्ट हमने सब कंप्लीट किया है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ब्रांड वैल्यूएशन। इस लेक्चर में हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब पेटेंट क्या है? द पेटेंट इज ग्रांटिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू एन इन्वेंटर टू मैन्युफैक्चर, यूज और सेल फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ इयर्स। मतलब किसी ने अगर कोई नया इन्वेंशन किया होगा, कोई प्रोडक्ट ढूंढा होगा, तो उसका परमिशन, उसको सेल करना, उसको यूज करना, मैन्युफैक्चर करना, उसकी परमिशन जरूर होती है। तो परमिशन गवर्नमेंट अथॉरिटी से दी जाती है। तो जो भी एक्स वाई जेड बंदे ने, जैसे कि अभी देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल इस COVID-19 में हमने कोरोना वैक्सीन ढूंढी है, ठीक है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये अलग अलग वैक्सीन है। तो ये जिसने भी, जो भी कंपनी ने ढूंढी होगी, उसने पहले परमिशन मांगी होगी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने उसको राइट्स दिया, वही कंपनी को राइट्स दिया। क्या राइट्स दिया? तो मैन्युफैक्चर करने के लिए, यूज करने के लिए, सेल करने के लिए, और कितने इयर्स तक? मैक्सिमम 20 इयर्स। ये हाईलाइट करो, 20 इयर्स तक मैक्सिमम हम पेटेंट क्या कर सकते, अपने नाम पे बुक कर सकते। उसके बाद जो भी वो इन्वेंटर होगा, उस पे कोई, उसका कोई उस पे हक नहीं होता है, कोई भी फिर इसको, इस पेटेंट को यूज कर सकता है। ओके, दिस ग्रांट प्रोवाइड्स द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट टू द पेटेंटेड प्रोसेस, ठीक है, डिजाइन इन्वेंशन फॉर डेजिग्नेटेड पीरियड। जैसे मैंने कहा है कि 20 इयर्स के लिए उसे एक डेजिग्नेटेड, एक पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए उसको ग्रांट किया जाता है, और उसके बाद उसे डिस्क्लोज करना होता है, अपना इन्वेंशन बताना होता है, ठीक है। वो सेल भी कर सकता है, जैसे कोविशील्ड, ये लंदन बेस्ड फैक्ट एक कंपनी है जिसने अलाउड किया है। किसको अलाउड किया है? तो सीरम कंपनी को अलाउड किया है कि यस, आप ये हमारा जो फॉर्मूला है वैक्सीन का, वो यूज कर सकते हैं। ओके, एन इंटेंजिबल असेट इज एन असेट दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर। ऑफकोर्स ये भी एक इंटेंजिबल असेट है, जस्ट लाइक गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। इस तरीके से पेटेंट भी एक इंटेंजिबल असेट है। अब टाइप्स ऑफ पेटेंट देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स है। तो सबसे पहला है यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन पेटेंट और प्लान पेटेंट। ये तीन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकते हैं। चलो अब डीप में देखते हैं यूटिलिटी पेटेंट। अब यूटिलिटी मतलब क्या? यूटिलिटी मतलब यूजफुल। एनी न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन, मैन्युफैक्चर और कंपोजिशन ऑफ मैटर। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने इन्वेंट किया है, लेकिन वो यूजफुल है, पहले बार यूज किया है, तो वो आता है यूटिलिटी पेटेंट के अंदर, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर यूटिलिटी पेटेंट, एन इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, यूजफुल एंड नॉन ऑबियस। मतलब क्या होता है? नॉट इजिली डिस्कवर्ड सीन, इसके पहले किसी ने भी ये डिस्कवर्ड नहीं किया है, और यूजफुल है, मतलब पहले बार जब वॉशिंग मशीन आई होगी 30-40 साल पहले, तो वो यूटिलिटी पैटर्न के अंडर आई होगी, क्योंकि तब कपड़े धोना मतलब सिर्फ हाथ से, यही पता था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जिसने भी मैन्युफैक्चर किया होगा, ये आइडिया ढूंढी होगी, तो ये सब आएगा यूटिलिटी पैटर्न, क्योंकि यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव ओवन, ये भी जब फर्स्ट टाइम किसी ने किया रहेगा इन्वेंट, तो ये यूटिलिटी पेटेंट। अब नया देखो आया है मच्छर मारने की मशीन, सिर्फ हमें ये लगाना होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और ऑटोमेटिकली इसमें जाकर फंस जाते हैं। तो ये नई नई इन्वेंशन है, और इसके लिए हमें पेटेंट लेना जरूरी है। जो भी व्यक्ति ने, पर्सन ने ये इन्वेंट किया होगा, उसे गवर्नमेंट के परमिशन लेनी है, बुक करना है पेटेंट की, मैं अपने नाम पे कि यस, ये मैंने इन्वेंट किया है, और मेरे परमिशन के सिवा इसका कोई भी कॉपी डिजाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज यूटिलिटी पेटेंट। नेक्स्ट डिजाइन पेटेंट। अब डिजाइन मतलब क्या? जो प्रोडक्ट में डिजाइन, ओरिजिनल डिजाइन यूज की जाती है, सो दे आर लेस एक्सपेंसिव एंड ईजियर टू ऑब्टेन दैन द यूटिलिटी पेटेंट। ये आराम से हमें इसका पेटेंट मिल जाता है गवर्नमेंट से। जैसे देखो कोई ज्वेलरी,
अलग अलग ज्वेलरी की अलग अलग डिजाइन होती है, डिजाइनर होते हैं, देखो कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, फर्नीचर, देखो अलग अलग आजकल मार्केट में फर्नीचर आया है। यहाँ पे बेडशीट्स पे देखो अलग अलग जो बड़े बड़े ब्रांडेड बेडशीट्स होते हैं बॉम्बे डाइंग वगैरह, तो वहाँ पे उन लोग खास हायर करते हैं डिजाइनर कि अपना अपना डिजाइन तुम लोग बताओ, तो वो जो डिजाइनर होती है वो पहले पेटेंट अपने नाम पे बुक करते हैं ताकि फिर ये जो कंपनी है उन्हें हाईली पेड करते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिजाइन पेटेंट। नेक्स्ट प्लान पेटेंट, अगर किसी ने डिस्कवरी किया है न्यू प्लान की, रिप्रोड्यूसिंग प्लान, देखो रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो यूटिलिटी प्लान था उसमें क्या था, उसमें यूजफुल वर्ड था, यूजफुल जो है वो यूटिलिटी में आता है, जो रिप्रोड्यूस करता है वो आता है प्लान पैटर्न में, जैसे कि कल्टीवेशन, सीडलिंग, अलग अलग मेथड्स आई है, सेम ईयर 20 ईयर्स, तीनों भी पैटर्न 20 ईयर्स के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई पेटेंट वैल्यूएशन नीडेड है, हमको क्यों जरूरत है, जैसे हमने देखा गुडविल की क्यों जरूरत है वैल्यूएशन की, क्योंकि हमें वो बेचना होता है कभी कंपनी, कोई नए पार्टनर्स को हमें एडमिट करना होता है एज ए न्यू पार्टनर, कोई रिटायर होता है तो उसका अपना हिस्सा चाहिए होता है, तो ये अलग अलग रीजन है गुडविल के लिए, तो वैसे ही पेटेंट के लिए भी है। तो फॉर सेम, ऑलमोस्ट सेम है सब, ये मर्जर, एक्विजिशन टू सेल और लाइसेंस, अगर उनको सेल करना है अपना पेटेंट तो जरूरत होती है वैल्यूएशन की। फंड रेजिंग के लिए होती है, बैंक के पास जाके अगर वो कहे कि ये मेरा पेटेंट है ये आपके पास रखो, उसके अगेंस्ट मुझे फंड दो, तो फंड रेजिंग हो सकती है, ठीक है। देन अकाउंटिंग टैक्सेशन पर्पस के लिए होता है, देन इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूजफुल होता है कि कैसे पेटेंट प्रोटेक्ट किया जाए, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, तो दे आर आर डिफरेंट रीजन। नाउ विल मूव टू द कॉपी राइट्स। कॉपी राइट्स का मतलब क्या होता है, तो इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स ओनर द एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेक द कॉपी ऑफ क्रिएटिव वर्क्स यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कौन सा मूवी दिख रहा है, टू स्टेट, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, लेकिन ये बुक, ये जो मूवी है कौन से बुक पे बेस है, सो ये चेतन भगत जो बहुत बड़े राइटर है उनके बेस पे उन्होंने बुक लिखी थी टू स्टेट, और उनके बेस पे करण जौहर ने मूवी निकाली, ठीक है। तो करण जौहर ने डेफिनेटली कुछ तो पेमेंट किया होगा चेतन भगत को, जैसे देखो बीच में एक कंट्रोवर्सी आई थी कि थ्री इडियट भी चेतन भगत के ही बुक पे बेस है, तो चेतन भगत ने कोर्ट में इसको अपील भी किया था कि ये मेरी कहानी है और इन्होंने बिना परमिशन के, बिना कॉपीराइट के इन्होंने ये मेरी कहानी क्या की है, चुराई है और पिक्चर ये किया है, पब्लिश किया है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपीराइट एक हक होता है एक राइटर का, आर्टिस्ट का, कि उसके परमिशन के बिना कोई भी उसका कोई भी जो भी आर्टिकल होगा, वर्क होगा क्रिएटिव, ले नहीं सकते। फॉर दैट दैट कंपनी या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैज टू पे सर्टन अमाउंट टू द राइटर या ऑथर, ओके, उसे कहते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट अप्लाइज फॉर अ लॉन्ग एज ऑथर इज अलाइव और फॉर अनदर 70 ईयर्स हिज डेथ, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक कॉपीराइट उसके ही नाम पे होगा, और उसके बाद भी 70 साल तक उसके नाम पर होगा, उसके बाद उसके जो भी क्या कहते वारस होगा उस उनके पास ये कॉपीराइट ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली ये लिटरेरी और आर्टिस्ट वर्क के लिए होता है, लिटरेचर वर्क वगैरह जो होता है ना उसके लिए स्पेशली कॉपीराइट्स होता है। और ये क्यों होता है, ताकि वो जो ऑथर है वो परमिशन दे किसी और को कि यस भैया तू ये बुक्स कॉपी कर सकता है, इसका प्रोडक्शन कर सकता है। नाउ विल सी द यूजेस ऑफ कॉपीराइट। अब इसके भी यूजेस है सेम, क्यों हमें बुक करना चाहिए कॉपीराइट, तो सबसे पहले कोई रिप्रोड्यूस ना करे अलग मेरे परमिशन के बिना, मतलब ऑथर के परमिशन के बिना, कुछ नया वर्जन उसे करना है आगे कंटिन्यू करना है तो उसे उसका डिस्ट्रीब्यूटेड कॉपीज बाय सेंड, रेंटिंग, लीजिंग उसको देना है, जैसे चेतन भगत ने परमिशन दी कि हाँ मेरे बुक पे आप मूवी कर सकते हो, तो इसके लिए कॉपीराइट का यूज है। पब्लिक के लिए देखो, टू परफॉर्म द वर्क पब्लिकली, कोई एक मुझे अगर किसी का बुक ये करना है, रीड करना है, या उस पे वीडियो एक छोटा सा क्लिप बनाना है कि ये बुक कैसा है, कैसे इस पे रिव्यू है, तो उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, या मुझे कोई फिल्म बनानी है, टीवी
शो बनाना है तो भी परमिशन. सो ये अलग अलग यूजेस ऑफ कॉपी राइट्स हैं. ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स भी सेम है. ऑफकोर्स प्राइस थोड़ी सी ब्रांड बढ़ता है, इंक्रीज होती है, प्रॉफिट मार्जिन हमें मिलता है, हमें मतलब ऑथर को मिलता है. देन लिटिगेशन से प्रोटेक्ट होता है, एक बार मेरे नाम पे कॉपीराइट से तो कोई भी इसको चुरा नहीं सकता है, उससे प्रोटेक्ट मिलता है. एडिशनल सेल्स भी होता है कि हाँ यस कॉपीराइट है, अच्छा चेतन भगत की बुक है तो डेफिनेटली वो नाम है, फेम है, अच्छा चेतन भगत के बुक पे बेस पे मूवी है तो देखनी ही चाहिए. तो एक ऑटोमेटिकली इसमें भी एक ब्रांड इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो ये अलग अलग कॉपीराइट से रिड्यूस मार्केटिंग, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, चेतन भगत का बुक है उसके बेस पे मूवी है तो अच्छा ऑफकोर्स अच्छा ही होगा. ठीक है, इंक्रीमेंटल मार्जिन होता है, चेतन भगत को भी तो फायदा होगा, जितना सेल होगा मूवी के टिकट्स उतना उनको फायदा होगा. ठीक है, नाउ विल सी द ट्रेडमार्क. अभी ट्रेडमार्क क्या है तो देखा बहुत बार आप, हर हर देखो कोई भी प्रोडक्ट ला वहाँ पे ऐसे आर लिखा होता है या टीएम लिखा होता है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन किया करो आप, तो वहाँ पे वो आर या MT ऐसे कुछ लिखा होता है तो वो होता है ट्रेडमार्क. तो ट्रेडमार्क मतलब एक मालकी हक कि ये हमारा ही ट्रेडमार्क है और इसके बगैर कोई और दूसरा हमारा डुप्लीकेट कोई भी प्रोडक्ट नहीं है. ये डिस्टिंग्विश करता है दो अलग अलग कंपनी को अपने यूनिक प्रोडक्ट से. जैसे पार्ले कंपनी, तो पार्ले पार्ले है और ब्रिटानिया ब्रिटानिया है, दोनों अलग अलग कंपनी है, दोनों का ब्रांड अलग है, वैल्यूएशन अलग है. तो ये दोनों कंपनी को उनका ट्रेडमार्क होता है. देखो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट होगा, बिस्किट होगा, देखो चॉकलेट्स होगा, वहाँ पे आर लिखा होता है, ऐसे देखो स्मॉल ऐसे लिखा होता है आर. ठीक है, तो ये एक क्या है, ट्रेडमार्क है, तो जो सब अलग बहुत सारे कंपनी में से हमारी कंपनी को अलग दिखाता है. देखो यहाँ पे दिख दिया है उन्होंने, मार्क्स फॉर योर प्रोडक्ट, द कंपनी नेम इज द नेम ऑफ योर कंपनी एंड रजिस्टर इट कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस. अब ये सबसे बड़ा और एक एक है ट्रेडमार्क, ये क्या होता है, एक मार्क होता है. ठीक है, जो प्रोडक्ट पे होता है, और कंपनी नेम ये अलग होता है, जो कंपनी रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर किया जाता है. ठीक है, तो कंपनी नेम इज अ डिफरेंट एंड कंपनी ट्रेडमार्क इज अ डिफरेंट, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ. नाउ व्हाई IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन यूजफुल. हमने, अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ब्रांड वैल्यूएशन बताया था कि ब्रांड वैल्यूएशन क्यों जरूरी है और कैसे करते हैं. तो यहाँ पे भी इन सब की वैल्यूएशन जरूरी है. क्यों है तो ये अभी मैंने एक दो स्लाइड पहले बताया है कि क्यों जरूरी है. अब इसका करते क्यों है, अब इसका पहले यूजफुल देखते हैं हम लोग की. कमर्शियल ट्रांजैक्शन, प्राइसिंग द प्रोडक्ट फॉर इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल मर्जर और एक्विजिशन, ये सब के लिए हमें जरूरी है हमारे ब्रांड का, पैटर्न का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का वैल्यूएशन करना, क्योंकि इससे ही हमारी क्या होती है, एक वैल्यू बढ़ती है, प्राइसिंग बढ़ती है. फिर एक्विजिशन कभी हो, मर्जर हो, यहाँ पे हमें बहुत काम आता है वैल्यूएशन. ठीक है, कमर्शियल निगोशिएशन हो, अगर कोई एक कंपनी बेचनी है तो निगोशिएट कर सकते कि देखो हमारा ब्रांड इतना कमा के देता है तो आपको इतनी पैसे हमें देना ही होंगे. सो दिस आर डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल. सी आप पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो. टैक्स प्लानिंग के लिए भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. लिटिगेशन, चोरी से हमारा प्रोटेक्ट होता है. ठीक है, फाइनेंसिंग, बैंक में हम फाइनेंस मतलब हमें हेल्प मिल सकती है. दिस ऑल आर द रीजन व्हाई वी नीड टू डू वैल्यूएशन. नाउ अगेन विल सी द मेथड्स जो ऑलरेडी हमने देखे हैं ब्रांड के वक्त. सो यहाँ पे दो टाइप्स, क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन, क्वालिटेटिव वैल्यूएशन. अब क्वांटिटेटिव वैल्यूएशन में इनकम बेस्ड है, मार्केट बेस्ड है एंड कॉस्ट बेस्ड है. जिन्होंने पहला इसका प्रीवियस वीडियो देखा होगा ब्रांड वैल्यूएशन का, इमीडिएटली उन्हें समझ में आया होगा ये क्या है. देखो उसके अंडर सब मेथड्स भी है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, इनकम बेस्ड मेथड, मार्केट बेस्ड मेथड एंड कॉस्ट बेस्ड मेथड. इनकम बेस्ड में और दो मेथड होती है, डायरेक्ट कैश फ्लो, रिलीफ फ्रॉम रॉयल्टी. एंड कॉस्ट बेस्ड में और दो मेथड होती है, हिस्टोरिकल बेस्ड, फ्यूचर बेस्ड. ठीक है, क्वालिटेटिव वैल्यूएशन में कोई मेथड्स नहीं है, तो यही आप पे ज़्यादा हाईलाइट करना है. इस पे डीप में फिर एक बार देखते हैं. इनकम मेथड मैंने पहले ही कहा है, इनकम मेथड कि वो जो भी ब्रांड है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है इनकम जनरेट करने की, वो कितना पैसा कमा के दे सकता है.
उसके बेस पे इसका वैल्यूएशन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी ही मैंने सेम स्लाइड एक्सप्लेन की है, आप प्रीवियस वीडियो प्लीज एक बार देख लो। मार्केट बेस्ड, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया था कोको कोला एंड पेप्सी कि मुझे अगर कोको कोला का वैल्यू निकालना है तो पेप्सी की वैल्यू कितनी अभी करंट मार्केट में, उसके ही आजू बाजू में कोको कोला होगी, बिकॉज बोथ आर रनिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, दोनों की लेवल सेम है। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्केट मेथड से हमें वैल्यूएशन करना होता है। इट्स यूज कॉमनली यूज, ज़्यादा करके अगर पूछा किसी ने ऑब्जेक्टिव में कि कौन सी ज़्यादा पॉपुलर है, तो मार्केट बेस्ट मेथड इज मोस्ट पॉपुलर। कॉस्ट बेस्ड, सेम अगेन ही है कि मुझे ये ब्रांड या पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट पे कितना खर्चा आया है, मैंने टोटल कितना कॉस्ट किया है, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस, उस पर होता है कॉस्ट मेथड। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो इसका प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है, अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।